मेरा डेयर ये है तेरे लिए कि अपने कैमरामैन को प्रैंक कर। तो मम्मी जो आज हमारे को डेयर मिला ना वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। क्या? हमारे को ना मतलब ऐसे दिखाना है कि हम पापा को प्रैंक कर रहे हैं। हाँ। मतलब यही बोलेंगे कि पापा को प्रैंक कर रहे हैं। हाँ। पर जासूस आएगा तो उसको प्रैंक करना है। और आपको याद है एक बार जो हम दिव्यांश भी था हमने प्रैंक करा था बैलून वाला जिसमें बैलून मुंडी घुमा दी थी हमने, याद है? देखो पापा आपको पता क्या करना है, कुछ नहीं ये समस्या है, बस आपको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे आपको प्लानिंग प्लॉटिंग में लेंगे कि आपको प्रैंक कर रहे हैं हम, ठीक है? पर प्रैंक उल्टा होगा जासूस को। मैं आपके ऊपर ना ऐसे चद्दर डालूंगा तो मुंडी नीचे कर लेना, ठीक है? और बैलून रखेंगे कि आपकी मुंडी बैलून, ठीक है? उसके अंदर मुंडी घुमाऊंगा और ऐसे जासूस को प्रैंक करेंगे जैसे आपकी मुंडी निकाल दे। मम्मी बैलून है, ठीक है? सबसे जो बड़े फूलने वाले बैलून होते हैं ना वो रेडी करो। चलो लेट्स गो। हाय जासूस भाई, आज हम कर रहे हैं डेयर वीडियो, ठीक है? एंड डेयर वीडियो में हमारे को प्रैंक करना पापा को, और मम्मी ये ले आई है चद्दर। पापा को सीट पर बिठाएंगे, ठीक है? उसके ऊपर पापा के ऊपर डालेंगे चद्दर, और जैसे चद्दर उठाएंगे ना हमारे को ये दिखाना जैसे पापा गायब हो गए। तो बेसिकली ऐसे दिखाना है कि पापा हो गए गायब, और हम कहेंगे पापा है ही नहीं, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, ठीक है? पर हम कोशिश ये करेंगे कि हम पापा को अच्छे से प्रैंक कर दे, ठीक है? ये ना पापा तुझे ही पीट दे। लेट्स गो। मैजिशियन फुकरा इंसान, अब 3 2 1 करेगा ना तो पापा गायब हो जाएंगे, ठीक है? पापा आपको गायब करके जा रहा हूँ, 3 2 1 गो। ये क्या है भाई? भाई ये क्या हो गया? अबे पापा को प्रैंक नहीं कर रहे थे, तेरे को प्रैंक कर रहे थे। सही भी सेम ही है। आपको कह रहा है चेहरा आपके गुब्बारे जैसा है, बताओ। तो आज हम करने वाले हैं डेयर वीडियो, और निश्चय करना हमारा तेरे को प्रैंक करवाने का। बस पता है आगे पीछे मैं ही प्रैंक हूं। ऑन टू आवर नेक्स्ट डेयर, लेट्स गो। ये तो नेक्स्ट डेयर हमारे को दिया हर्ष जीजू ने, और उन्होंने बोला है हमारे को, तेरे लिए ना बहुत सिंपल सा डेयर है, तूने रैंडम लोगों के पास जाना है और उनको पता क्या कहना है कि मुझे अडॉप्ट कर लो। बहुत सिंपल है, तू तो बहुत आसानी से कर लेगा यार। वाओ वाओ, मतलब अब मेरे को अपने मम्मी पापा से रिश्ता खत्म और नए लोगों से रिश्ता जोड़ना है। तो आओ रोडो पे हमारे लिए नए मम्मी पापा ढूंढते। I am in search of new mom dad. Random लोगों को adopt करने के लिए बोलना है, आ जाओ। भाई मेरे को ना डर सा लग रहा है, चलाओ try मारते हैं। अंकल नमस्ते। कहाँ रहते हैं आप? किसी ब्रेसी में हूं। मेरे घर वालों ने मुझे ना निकाल दिया। ऐसे हो नहीं सकता। सही में निकाल दिया अंकल? अरे आपके घर रह सकता हूँ? हमारे पास कहाँ जगह है? जगह अंकल दिल में होनी चाहिए, रख लो थोड़ा। दिल तो इतना छोटा है ना। इतना छोटा है बस इतना? दिल तो इतना सा नहीं होता अंकल, मतलब नहीं रखने दोगे क्या? आप वीडियो बना रहे हैं क्या? करे क्या, हमारा तमाशा बना रहे हैं? नहीं अंकल, मजे ले रहे। अंकल के दांत बहुत क्यूट है, हिट लाइक फॉर अंकल के दांत। अंकल स्माइल, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो अंकल। संभाल कहाँ से होगा? नहीं होगा स्माइल। आ स्माइल तो कर रहा हूँ अंकल। Denied. अरे भैया माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करना चाहिए? कोई पाल ले पोस ले। नहीं आपसे कमाओ खाओ और क्या, आप मुझे रख लो अपने पास। मेरे पास कहाँ रहो? आइसक्रीम आपकी सारी मैं भेज दूँ, आप घर बैठना, अच्छा बच्चा हूँ मैं, सारे काम करता हूँ। इज इट अ यस और नो? नहीं, भैया ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया। Denied. भैया आप रखना चाहोगे? मेरी बात में क्या रखेंगे, आपका सारे काम मैं कर दूंगा। कोई नहीं मान रहा। Denied. मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना कोई ऐसे बिना काम के नहीं रखने वाला, तो हम चाहते हैं कोई हमारे को रखे तो हमको उनके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो आते चलते किसी और के लिए काम करते हैं। लेट्स गो। ओके तो लास्ट ट्राई। कैसे भैया? भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि एक अच्छा बच्चा क्या होता है? अच्छा बच्चा क्यों अच्छा होता है? अगर ऐसी रैंडमली कोई आपके पास आया और आपको बोले कि भाई मेरे को अडॉप्ट कर लो, तो आप उसको करोगे अडॉप्ट? नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं कह सकते। तो किस बेसिस पे लोग जज करते हैं? शायद कितनी एज का बच्चा होगा। मेरी एज का 25 साल का। तो बेस्ट हो आप, अच्छा मैं बेस्ट हूँ, पर वैसे आप मेरे को रखने के लिए तैयार हो? आपको दिक्कत नहीं आ रही? भाई भैया ने मेरे को वैसे रख लिया, मिशन सक्सेसफुल। पर आप मुझसे काम वाम तो नहीं करोगे ना? नहीं कोई काम नहीं, मुझे बैठ जाइए बस आराम से बैठने का काम। भैया ने मेरे को रख लिया है, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। जीजू आपने मेरे को बोला था आस्क एनीवन टू अडॉप्ट मी, अंकल ने हाँ बोल दिया। थैंक यू अंकल। थैंक यू। यस करा भाई डेयर वीडियो। मैंने देखा आजकल ओमेगल वीडियोस बड़ा बना रहा है, तो एक काम करना, ओमेगल पे लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज कर, एंड तब तक करते रहे जब तक कोई हाँ नहीं बोलती। ओके, जब तक कोई मान नहीं जाती तब तक करते रहे, करते रहे पूरी जिंदगी। अब आप भी करके देता हूँ। हेलो, आई हैव गॉट अ डेयर टू प्रपोज अ गर्ल ऑन ओमेगल, विल यू मैरी मी? क्या बोलती है तू? नो। ये तो बहुत दिल पे लग गई, दिल पे लग गई दोस्तों, ना कर गई। मेरे को दिल से बुरा लगता है, प्लीज भाई दिल से बुरा लगता है। अन्ना दो। हाय बाय।
यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे लिए सबसे टफेस्ट डेयर होने वाला है। Another one. Hi, I've got a deer. I need to propose one girl on Omegle for marriage. Skip kar gayi. Dil mein mere hai dard-e-disco. Another one. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? I'm being held hostage. Will you marry me? Yes? तुम मेरी दुल्हन बनना चाहोगी? हाँ, कर गई. Yes. 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 Now you are gonna be my wife. Okay. I'm gonna be your husband. Is it a yes? Yeah. आ रहा हूँ. अब तुम ही तो इसकी दुल्हनिया बनोगी. शादी ये लो, रिंग ये लो. लगता था इसने सताया है मुझको, मगर इसने रास्ता दिखाया है मुझको. Guys, I finally completed my dear. Yeah. Okay, तो next year हमारे को मिला News Boys and News Boy ने dare दिया है. जो Mr. Beast वाला scam है उसका story time बताओ. Mr. Beast के scam वाली story reveal करो. Oh भाई, like Mr. Beast के साथ collab करो भी इतना time हो गया and अब वो story reveal करने की मेरे साथ scam क्या हुआ था. भाई बहुत ज़्यादा hype up हो गया था कि like मैंने देखा एक short जिसमें मैंने बताया Mr. Beast ने मेरे साथ scam करो, उसपे 10 million views थे. Now it's time dare मिला है तो news देनी पड़ेगी News Boy को. Actually हमारे साथ क्या हुआ था, Mr. Beast की जो हिंदी टीम है वो हमारे को एक X amount of money दे रही थी टू प्रमोट मिस्टर बीस का हिंदी चैनल. तो हमने हाँ कर दी, उसके लिए हम चले गए गोवा. हमने वीडियो बना दी भाई समुंदर में, वन ऑफ द टफेस्ट वीडियोस ऑफ माय लाइफ ऑब्वियसली फॉरेस्ट वैली के बाद. यार देखो मेरी वीडियोस पे ना बहुत खर्चा होता है, फ्रॉम लाइक डायरेक्शन, ऑब्वियसली कैमरा मेरा, बट कैमरा कोई ऑपरेट करता है उसके चार्जेस होते हैं. एक कैमरा नहीं होता, दो तीन कैमराज होते हैं, उसके बाद ड्रोन होता है, उसके बाद भाई शिप करी गोवा गया, वहां खाया पिया. कोई भी अगर आप वीडियो उठा के देखोगे हाइड एंड सीक वाली वीडियो, तो उसमें 8-10 बंदे होते हैं, उनको खिलाना पिलाना, फार्म हाउस बुक करना, सारे मतलब बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं. तो बेसिकली 1.5-2 लाख रुपए तक भी एक वीडियो लग जाता है. तो मैंने तो भाई अपनी तरफ से खर्चा कर दिया मिस्टर बीस्ट की वीडियो बनाने का. तो जब हमने उनको बोला कि भाई ये हमारी वीडियो है और इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमारे को इंटीग्रेशन नहीं करानी. भाई तुम 2 महीने से आप हमारे को फोर्स कर रहे हो कि भाई वीडियो बनाओ 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 और हमारे को लॉन्च करना उनका चैनल. जब हमने बना दी, खर्चा कर दिया, तो आपने बोल दिया नहीं भाई हमारे को ये वीडियो नहीं चाहिए. तो मतलब भाई हम क्या है, हम गधे हैं भाई, जो हम तो आपको प्रमोट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं. मिस्टर बीस्ट की कहीं फॉल्ट नहीं है इसमें, बट ऑब्वियसली आई फील कि मिस्टर बीस्ट की जो हिंदी टीम है उसकी बहुत बड़ी गलती है इसमें. तुम पहले क्लियर करके चलो, अगर तुम्हारे को कोई चीज करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो. भाई अगर मेरे को उसमें रीलेवल नहीं मिलता तो मैं तो 2-2.5 लाख रुपए के नुकसान में चला जाता ना, क्योंकि मैंने इतना पैसा लगाया उस वीडियो को बनाने के लिए. थैंक्स टू लाइक द स्पॉन्सर्स ऑफ दैट वीडियो जिन्होंने मेरे को बचाया, नहीं तो मम्मी पापा बहुत मारते कि भाई चाहे आइडल हो कुछ हो, भाई तुम किसी को प्रमोट कर रहे हो, पैसे जेब से लगा रहे हो, घर वाले तो सुनाएंगे ना यार. बट ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी टाइम, चलते यहाँ से नेक्स्ट डेयर पे. लेट्स गो. हे माता जी, अगला डेयर मेरे को दिया धीरू भाई ने और उन्होंने बोला कि अभिषेक भाई आप एक काम करो, मॉल जाओ, उधर जाने के बाद लड़कियों के जो कपड़े होते हैं उनको पहनो और हो सके तो थोड़ा सा डांस और कर देना, ठीक है? मतलब अब मैं यहाँ जब मॉल आया हूँ वहाँ पर जाके मुझे लड़कियों के कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे? ये छिछोरों वाला डेयर धीरू भाई तू भी दे सकते थे यार. पर डरेगा नहीं, करेगा, अब उन करेगा, इसलिए मॉल के सामने आ गया है. तो चलो चले, लेट्स गो. कर हर मैदान फतेह. मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़कियों के शोरूम में जाके लड़कियों के कपड़े ट्राई करना तो पॉसिबल नहीं है. एक ऐसा शोरूम ढूंढना पड़ेगा जो यूनिसेक्स हो और वहां जाके हम कर सके और लोग देखे ना. मैं उठाने लगा था लड़कियों की ड्रेस, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा. पर मैं करूंगा, ट्राई करेंगे. ओके, तो अब हमने देखा लाइफस्टाइल में ना लड़कियों का नीचे और लड़कों का ऊपर है, तो वहां नहीं हो पाएगा, बहुत डर लग रहा है. तो अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ मैक्स जाते हैं, वहां देखते हैं कि सेम फ्लोर पे हो लड़के लड़कियों की ड्रेस और वहां उठाते हैं. लेट्स गो. क्या क्या करना पड़ता है यूट्यूब के लिए यार, इसी बात पे लाइक कर दो यार. लड़कियों की ड्रेस नहीं यार, मुझे डर लग रहा है यार, गलत करना. Thank you.
फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ ट्रायल रूम में, और भाई ये रहे अपने लड़कों के कपड़े और ये रहे लड़कियों की ड्रेस। तुम सबके लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, चेंज करता हूँ। That's how a girl's dress fits me. ऐसी लगती है लड़कियों की ड्रेस मेरे पे, देख लो भाई। क्या मैं सेक्सी लग रहा हूँ? हिट लाइक, हिट लाइक। Guys, next day मेरे को मिला प्रेरणा दीदी से, एंड प्रेरणा दीदी ने बोला मेरा डेयर ये है कि मम्मी के साथ आइस बकेट प्रैंक करो। चलो करो, देखते हैं क्या होता है। I'm excited to see. मतलब हम पता क्या करने वाले हैं, पानी भरेंगे, बर्फ पे डालेंगे, मम्मी को ही बुलाएंगे हेल्प करने के, और मम्मी के साथ ही टाइम टाइम फिश आ जाओ। फन होने वाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी इधर आओ, बर्फ और नहीं है, ले आना एक बार बर्फ लाना। एक चैलेंज मिला है। अभी थोड़ी बर्फ लाना, डाल तो दी बर्फ, थोड़ी सी ले आओ यार, आप भी मानते नहीं हो। ये क्या? अबे फेल हो गया। अच्छा मेरे से बर्फ मांग के मेरे ऊपर ही पानी डाल रहे हो? अबे तुम आगे क्यों नहीं आए रे? अबे यार ना मम्मी बलि का बकरा बन जाए। तुम बच क्यों गए यार? क्यों यार? मैंने ऊपर से थोड़ा बिग ब्रेल लगा, अच्छा यहाँ से डाल रहा था, मेरे को लगा आप इधर आओगे तो मैं इधर से डालूंगा, तो मैंने सोचा यहाँ खड़ा मैं यहाँ से पकड़ा रही हूँ ये ले, बर्फ में ले लो पानी। चुल्लू भर पानी में डूब मत। अच्छा एक, अब आप एक डेयर दे दो, आपका डेयर। हाँ ये चुल्लू भर पानी में डूब। अच्छा ये डेयर है, गाइस हमारा नेक्स्ट डेयर है चुल्लू भर पानी में डूबना, तो डूबेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए मेरी डेथ नोट। तो ये रही हमारी डेथ नोट जिसपे हम लिखने वाले हैं चुल्लू भर पानी में मैं डूबने वाला हूँ। अबे ये क्या हुआ, अबे छोटे कैसे हो गया, क्या हो रहा है मेरे को? ओह अबे ये क्या है, ये तो चुल्लू भर पानी नहीं टंकी भर पानी है, लगता है कूदना ही पड़ेगा। ले तो अभिषेक पाजी, आप वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंज करते रहते हो, तो मेरी तरफ से आपको एक चैलेंज है कि कोक और मिल्क को ना मिक्स करके पियो और बताओ कि कैसा स्वाद आता है। ओके तो डेयर करने हम जा रहे थे, तो मैंने कहा उससे पहले बटरस्कॉच पान खा ले जाए, और भैया से पूछा जाए वियर्ड स्ट्रीट फूड में सबसे वियर्ड क्या हो सकता है। कभी तुमने दूध में कोक डाल के पीने की कोशिश करी है? आइसक्रीम, कोक में आइसक्रीम, कोक में आइसक्रीम, कोक में दूध डाल के पीने की कोशिश करी है? ट्राई करना चाहोगे? नहीं नहीं, हम करेंगे आज। आयो एक शेक बनवाना है, वियर्ड स्ट्रीट फूड शेक। उसमें क्या करना है, दूध लेना है, ओके, कोक डालना है, ओके, मिक्स करना है, ओके, उसमें आइसक्रीम डाल के फिर पीना है, ओके। आइसक्रीम खोलो, आइसक्रीम, कोक और दूध, ये तीन का मिक्सचर बनवाओ, और पीना भी आपको ही है। वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंज, लेट्स गो। ये पहला कॉम्बिनेशन है जो मैं ऐसे ट्राई करने वाला हूँ भाई, मजाक से हट गया। आइसक्रीम और दूध का कॉम्बिनेशन कभी डिमांड हुआ है? मिल्क शेक तो बनाते हैं, कोक के साथ डिमांड नहीं आई। अच्छा दूध डल गया गाइस, दूध कौन नाओ, कोक कोक। भैया जैसा भी बना रहे हो आप बना लो, पीना आप नहीं है, पीलोगे ना? मेरे को तो पेट खराब का डर है, आपका पेट खराब हो गया तो सही हो जाएगा। अभी आइसक्रीम, ओहो बस 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 बस। अब देखो तुम कलर देखना, वियर्ड फूड करने तो अच्छे से करते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे, ये बहुत अच्छा है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। डाला क्या है इसमें, कोक स्टिंग, आइसक्रीम का एक स्कूप और दूध, तो बहुत यम्मी है, ट्राई कर, बहुत यम्मी है। वाह क्या मुस्कुराहट है, मजा आ गया भाई, मस्त ट्राई भाई, 10 में से 10 है, रूह अफ़ज़ा जैसा लग रहा है, रूह अफ़ज़ा। एक सेकंड इधर आओ, ये ट्राई करो और बताओ कैसा है। बहुत अच्छा ना, अच्छा है। 10 में से 8.5। आप कितने दोगे? 9। बाय, मेरे लिए तो भाई 10/10 है भाई, जिन्होंने बनाया उनसे ट्राई करवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना, मस्ट ट्राई UK07, थैंक्स ब्रो। मतलब आई डिस्कवर्ड अ न्यू ड्रिंक, मतलब तुमने स्टिंग नहीं बोला था, बट स्टिंग हमने ऐड करके मजा कर दिया।
ओके तो नेक्स्ट डेयर हमारे को मिला है प्रगति वर्मा से और उसने डेयर दिया है हेलो फुकरा इंसान, तो आपका डेयर ये है कि आपको मैग्डी ड्राइव थ्रू जाना है, वहां जाके सिर्फ एक फ्राई ऑर्डर करना है। जी हाँ, तो लेट्स सी आप ये डेयर कम्प्लीट करते हैं। नहीं मतलब एक फ्राइज ऑर्डर करना होता है, ये एक होता है कि एक पीस ऑफ फ्राई, तो आई डोंट नो कि एक पीस ऑफ फ्राई मिलता है नहीं मिलता, बट वी विल ट्राई। तो लेट्स गो, गाड़ी ऑन करो। धूम मचा ले गाड़ी ठोक दे धूम। एक फ्राई की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ से हम जा रहे हैं अब एक फ्राई लेने, भीड़ लगी है, बहुत बेइज्जती होने वाली है। लेट्स गो। भैया जी एक बात बताओ, क्या क्या सब कुछ अवेलेबल है? मैक्स छोड़ के मैक्स वो आइसक्रीम है चॉकलेट वाली वो। अच्छा, सबसे सस्ता बर्गर कौन सा है? सर आलू टिक्की है। और फ्राइज कितने के है? तो 75 स्मॉल की है। एक फ्राई मिलेगा, एक पीस फ्राई का पैसे ले लो, एक पीस फ्राई दे दो। आप वहाँ बोलेंगे तो दे देंगे। अच्छा वहाँ दे देंगे, आप नहीं दोगे? आप कितना मिनिमम दोगे? एक स्मॉल फ्राइज मतलब आपको परचेज कराने पड़ेंगे। कितने का? 75। कोई डिस्काउंट नहीं है? डिस्काउंट तो नहीं। एक पीस फ्राई का कितना होगा वैसे? नहीं देंगे आपके कहने पे? नहीं देंगे मतलब वहाँ बोलूंगा तो दे देंगे, मेरे कहने पे दे देंगे। कितने फ्राइज होते हैं 75 रुपए में? स्मॉल होती है, एक पीस होती है मतलब 15-20, 3 रुपए 5 रुपए का एक फ्राई हो गया। अब वहाँ जाके पूछूंगा, वहाँ जाके पूछू, चलो वहाँ जाके पूछते हैं। कुछ ऑर्डर पंच नहीं करना? बर्गर का पंच कर दो, फ्राइज तो नहीं देंगे। हाँ जी भैया, भैया एक फ्राइज भी टेस्ट करा दो। फ्राई आ रहा है हमारा, इसके कोई पैसे तो नहीं है भैया? फ्री, 3 पीस फ्री। वैसे फ्री में खाते हो आप? नहीं खाते, पंच करके खाते हो। फाइनली हमारे को हमारे फ्राइज मिल गए हैं फ्री के। यस, ले भाई सौरभ भाई फ्री फ्राइज, पैसे नहीं देने पड़े, एक फ्राई की जगह 3 मिल गए। आई एम लविंग इट।